ये किस चीज़ का प्लांट है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लावर बर्ड्स बन गया है। ये बेटी भेजी है, महाराष्ट्र में बहुत होता है तो वहीं रहती, तो उसका इसका सीड भेजी थी। ये तो नहीं पता, ये तो हमको पता है कि ये कपास का प्लांट है, देख सकते हैं। इसमें पर्पल या पिंक कलर का फ्लावर होता है जिसमें रुई बनता है। ये मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ चंद्रपुरम जब हम रहते थे झारखंड में छोटे थे, तो ये मेरे यहाँ निकल जाता था, तो मम्मी इसको देखते थे, इसका रुई को बत्ती यानी कि दियावती करने के लिए, सामबत्ती करने के लिए इसको रख लेती थी। तो अगर ये कपास का प्लांट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कपास है, क्योंकि मुझे तो भूल गए, बहुत ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन हमें लग रहा है ये कपास का ही प्लांट है। और ये किस चीज़ का प्लांट है बोले कि इसका पत्ता का कुछ खाया जाता पकौड़ी वगैरह बना के, तो हम तो अभी तक नहीं जानते हैं, तो नहीं खाए हैं। और इतना सारा देख सकते हैं फ्रेंड, अभी एक में नहीं किए हैं, अभी एक ही ग्रो बैग खाली किए हैं। और अब इसकी मिट्टी को जो है ना सुखा देंगे अच्छे से, दो तीन दिन धूप लगा देंगे। धूप लगाने के बाद जितना जड़ है ना सबको हटा करके, इस तरह से इसको हटा देंगे, हटा करके जितना जड़ है इसको हटा देंगे और इसको दो तीन दिन तक अच्छे से सुखा देंगे। सुखाने के बाद थोड़ा सा गीला कर देंगे, गीला करके फिर से सुखाएंगे ताकि जो भी इसमें कीड़ा वगैरह जो होगा मर जाएगा। और उसके बाद इसमें नीम खली फंगीसाइड पाउडर सब मिला करके फिर से ग्रो बैग में भर देंगे इसमें। और इसमें हमको कोकोपीट डालना होगा और कोकम्पोस्ट डालना होगा। और ये देख सकते हैं इतनी सारी हार्वेस्टिंग हुई है, ये देख सकते हैं। अभी एक और ग्रो बैग खाली है, क्योंकि अभी जो है ना विंटर में ये ख़राब हो जाता है, तो इसका पत्ता तो जितना यूज़ करना था कर लिए, अब इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोनों ही इसको मिट्टी को सुखा के बढ़िया से भर देंगे ताकि इसमें कुछ और प्लांट लगा सके, टमाटर वगैरह लगा सके। टमाटर का जो सीड लगाए हैं वो हो गया है, तो सोचते इसमें लगा देंगे, कम से कम ये 16x16 का है, तो तीन तीन टमाटर लगा देंगे, मिर्ची लगा देंगे, इसीलिए सब ग्रो बैग जो है खाली कर दे रहे हैं। बहुत सारा बैगन हल्दी सब लगा हुआ है, देख सकते इस तरह से लगा हुआ है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और कुछ अगर मिलाना हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें सब्जियों की उतनी जानकारी तो है नहीं फ्रेंड, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लगा वो अच्छे से फल लगे। ये देख सकते हैं एक अनार का इसमें लगा हुआ था, तो इसको भी लगा देते हैं, ये सीड से लगा है। और नीचे तो मेरे यहाँ रहता था, मिट्टी में लगा रहता था तो फल देता था, अब ग्रो बैग में है तो नहीं बता सकते कि इसमें फल देगा कि नहीं देगा, लेकिन हटाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको लगा देते हैं। 18x18 का ग्रो बैग है तो उसमें लगा देंगे, देखिए कितना बड़ा ग्रो बैग है, कितना बड़ा ग्रो बैग है, तो 18x18 का है, 18x18 लेकर के बोल के लिए ही थे इस तरह से है, तो इसको लगा देते हैं, ग्रो बैग खाली करके लगा देंगे। और साइड साइड से इसको लगाने के बाद साइड साइड से जो जगह इसको बीच में लगाएंगे, और साइड में अदरक सॉरी लहसुन और प्याज लगा देंगे पत्ता के लिए, लगाने के बाद आपको ज़रूर दिखाएंगे फिर। ये थी मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग और छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।